अस्सलामुअलैकुम चैंपर्स। तो चैंपर्स आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी केस में अल्लाह ने करे आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो आप क्या करें। गाड़ी के ब्रेक फेल होने के दो रीजंस होते हैं। एक तो है कि चैंपर्स आपकी कार का जो ब्रेक ऑयल है वो अल्लाह ना करे किसी सिचुएशन की वजह से, गाड़ी के पाइप फटने की वजह से या गाड़ी के पाइप में लीकेज आने की वजह से गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है वो कम हो गया, जिस वजह से उतना प्रेशर नहीं जनरेट हो पा रहा कि गाड़ी की जो रिस्क है उसके साथ वो ड्रम्स का जो वो कैलिपर होता है या उसे जो कहते हैं वो चीज के साथ लग सके, गाड़ी की ब्रेक जो लग सके। या दूसरा रीजन क्या होता है जी कि गाड़ी अगर आप पहाड़ी इलाकों में चला रहे हैं ज्यादा बार बार ब्रेकिंग करने की वजह से गाड़ी की प्लेटें गर्म हो जाती हैं, उस कॉज में भी आपकी ब्रेकें फिर जो है लगना खत्म हो जाता है, मतलब ब्रेक नहीं लगती होती। रीजन जो भी हो तो चैंपर्स इस केस में आपने करना क्या है ये मैं आपको। चैंपर्स आपने सारी सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप पैनिक हो जाए, आप गाड़ी का स्टेयरिंग जोर से घुमाने लग पड़े हैं, गाड़ी को पैनिक हो गए हैं तो ये फिर खतरनाक साबित हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपने अपने आप को काम करना है, एक लंबी सांस लें, सुकून करें, उसके बाद चैंपर्स आप सिंपली गाड़ी का पहले हैजार्ड ऑन कर दें जी, आप गाड़ी का मॉडल से बजाने लग पड़े ताकि अगले ड्राइवर अलर्ट हो जाएं कि यार इस गाड़ी से कोई मसला बन गया है या कोई मसला है, अगले बंदा अलर्ट हो जाए। आप गाड़ी का डिपर दे दीजिए साथ साथ ताकि पता लग जाए भी कि हाँ जी यार बाकी कोई मसला बन चुका है। और साथ अगर आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है फिर तो वेल एंड गुड है जी, आप सिंपली गाड़ी का स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी का गियर डाउन करी जाए, गाड़ी आराम से रुक जाएगी, मतलब कि लो स्पीड में आ जाएगी। और वैसे बिलफर्ज गाड़ी 80 की स्पीड पे जी, तो आप क्या करें जी, तीसरा गियर लगा दें गाड़ी का, वो गाड़ी फिर अपने स्पीड कम करेगी, इंजन अपनी ब्रेकिंग करेगा, फिर उसके बाद दूसरा पहला आस्ता आस्ता स्पीड के अकॉर्डिंग गाड़ी का गियर आप डाउन करें, गाड़ी लो स्पीड में आ जाएगी। उसका और तरीका जो चैंपर्स ये है कि अगर आपकी गाड़ी ऑटो ट्रांसमिशन भी है तो इतना कोई मसला तो नहीं है जी, आपको मसले वाली बात नहीं है, आप गाड़ी डी पे तो है ही है, न्यूट्रल पे ना करिएगा चैंपर्स गलती से वरना इंजन ब्रेकिंग नहीं होनी। गाड़ी डी पे है, गाड़ी डी पे रहने दें जी, गाड़ी का आप रेस से पैर उठा दें और आप गाड़ी का स्टेयरिंग सामने, मतलब अगर गाड़ी लग लुग ना जाए कहीं पे, आप गाड़ी का स्टेयरिंग सामने हारन बजाई जाए, काम करी जाए जी। और ये कि अपनी जो हैंड ब्रेक है ना चैंपर्स, उसका जो अपना बटन होता है आगे वाला, इस बटन को आपने प्रेस करके रखना, अपनी जल्द वैसे हैंड ब्रेक ही लगा देनी। अगर आप इस तरह हैंड ब्रेक लगाएंगे ना गाड़ी आपकी जो है चैंपर्स स्किड कर जाएगा, पिछला टायर जैम हो गया कार स्किड करेगी, गाड़ी जो है आपका एक्सीडेंट हो सकता है जी। आपने क्या करना जी, आप गाड़ी का बटन जो है प्रेस करके रखें और गाड़ी की हल्की सी हैंड ब्रेक लग गई है थोड़ी सी, जैसे लगा कि हाँ जी अब गाड़ी का जरा ब्रेक लग रही है, लग गई है, फिर नीचे कर देगी, थोड़ी सी लगा के फिर नीचे कर दें, फिर थोड़ी सी लगाएं फिर नीचे कर दें, इससे ही होगा कि हल्की हल्की कार में ब्रेक लग रही है और फिर गाड़ी वापस मोशन में आ रही है, इस तरह आस्ता आस्ता आपकी गाड़ी की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और उसके बाद चैंपर्स की गाड़ी की स्पीड रिड्यूस हो गई जी, आप गाड़ी तकरीबन 20 की स्पीड पर आ गया, आप उस वक्त अगर यल्का हैंड ब्रेक भी लगा देना, लेकिन ना ही लगाइएगा आप, फिर भी थोड़ा आराम से लगाइएगा, गाड़ी इंशाल्लाह आपकी रुक जाएगी। इस सारे केस के अंदर चैंपर्स आपने गलती से भी इंजन ऑफ नहीं करना जी, कि आप चाबी आपने गाड़ी की चाबी निकाल दी है जी, गाड़ी का इंजन ऑफ हो गया तो फिर चैंपर्स आपका जो स्टेयरिंग है, जैसे बिलफर्ज अभी गाड़ी चाबी बाहर है, ये देखिए गाड़ी का स्टेयरिंग लॉक हो चुका है जी, गाड़ी का स्टेयरिंग लॉक हो गया, ऐसी स्टेयरिंग लॉक तो आप ना इसको घुमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं जी, गाड़ी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है जी। गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करना, आप इसको गाड़ी का इंजन ऑन रखिएगा, इंशाल्लाह गाड़ी आराम से आप जैसे मैंने कहा गाड़ी आपकी रुक जाएगी। चैंपर्स ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको फॉलो करके इजीली जो है अपने को सेव करके सेफली कार से बाहर आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।